अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने कम्युनिटी मेडिसिन किस तरह स्टार्ट करनी है और सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर। सो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हमें कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में गाइड कर दें, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कम्युनिटी मेडिसिन आपने ज़रा लेट स्टार्ट करनी है, क्योंकि पैथो और आई जो होती है वही काफ़ी हो जाती है इंसान के लिए अगर एट अ टाइम वो दोनों पढ़ रहे हैं आप तो। लेकिन इसके बावजूद कम्युनिटी मेडिसिन स्टार्ट करनी है आपने, बेशक आप थोड़ा लेट स्टार्ट कर लें, लेकिन जो चीज़ अभी आपने करनी है और जो ज़रूरी है करना वो क्या है। सो कम्युनिटी के अंदर आपका चैप्टर नंबर जो दिया हुआ है 4, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे SCQs मस्ट आना होता है और MCQs भी इससे काफ़ी बन जाते हैं। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ आपने किस तरह करनी है और कहाँ से करनी है, आपने इसको डेली बेसिस पे करना है। डेली आपने क्या करना है कि कोई एक जो है वो डिजीज़ जो एक है वो आपने क्लास में कर लेनी है। अब आपने करना क्या है, जब आप पढ़ते हैं एक्सेल से, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर हम पढ़ते हैं एक्सेल से, तो वहाँ पे ज़रा रैंडम सा दिया हुआ है, वहाँ पे समझ नहीं आती कि आपने क्या स्टार्ट करना है। कम्युनिकेबल डिजीज़ से आपका एक सिनेरियो आता होता है और उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपने डायग्नोस करना होता है। बहुत ही ईजी होता है, कोई इसमें टफ नहीं होता, लेकिन मेनली जो वो पूछते हैं इसकी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ये है, आपने किस तरह इसकी मैनेजमेंट करनी है। सो आपने करना ये है कि इसको थोड़ा सा मिक्स करना होता है पार्क से भी और एक्सेल से भी। अगर आप करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पार्क से तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि जब प्रोफ आता है प्रोफ के अंदर चाहे इसके 3 डेज होते हैं, लेकिन होता यह है कि ये कम्प्लीट नहीं हो पा रही होती। एक्सेल लगती बहुत आसान है, कम्युनिटी मेडिसिन लगती इजी है कि जल्दी हो जाएगी, लेकिन टाइम बहुत लगता है इस पर। सो अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ के नोट्स बने हों तो ये आपका काम अलग हो जाता है, और आप एग्ज़ाम्स के डेज में भी इसको सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स से डेली की बेसिस पे 3-4 कर लेते हैं, तो वो आराम से जो है ना वो 3 डेज में आपको कम्प्लीट हो जाता है। और आजकल आप जिसे पढ़ रहे हैं पैथो और कम्युनिटी, तो इसके साथ आपने लाजमी डेली की बेसिस पे ना एक कोई ना कोई डिजीज़ कर लेनी है, ताकि आपकी जो है ये कम्प्लीट हो जाए। अब आपने किस तरह इसको करना है, तो आपके जो पार्क है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी, आप वहाँ देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ की। तो उन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसके आपने देखेंगे तो पास्ट में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वो कौन कौन से आते हैं, उसमें से आपका स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स, रुबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, डिफ्थेरिया, होपिंग कफ, TB, ठीक है, और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, और सार्स का उन्हें जस्ट रीड करना है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब ना प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज करें मैं दोनों ऑप्शंस दूंगी आपको, अगर आप रखना चाहते हैं मेन बुक अपनी एक्सेल और पार्क से आपने कुछ चीज़ें करनी है, तो उन बच्चों के लिए मैं पहले बता देती हूँ, फिर उन बच्चों के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक इन्फ्लुएंजा को आपने पार्क से करना है, ठीक है, उसके बाद जो है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस आपने पार्क से करना है, और इसके अलावा सार्स वाला आपने पार्क से करना है, क्योंकि ये है एक्सेल में जो है वो नहीं दिए हुए, ठीक है, ये आपने जो है वहाँ से कर लेने हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपने ये 3 वहाँ से करने हैं, प्लस आपने क्या करना है कि पार्क के अंदर ये जितनी भी डिजीज़ हैं इन डिजीज़ के बारे में जो वैक्सीन दी हुई है, ठीक है, वैक्सीन और उनकी जो थोड़ी बहुत स्केजुअल है कि आपने वैक्सीन किस तरह लगवानी है, वो आप वहाँ से कर लें। सो आपने सब कुछ जो है वो करना है एक्सेल से, सिवाय इन 3 के, और साथ में आपने जो है पार्क से इन सब की वैक्सीन स्टेटस कर लेने हैं। वैक्सीन का मतलब ये है कि उसकी फर्स्ट डोज कब लगती है, सेकंड डोज कब लगती है, क्या स्केड्यूल है उसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंबाइन लगती होती है तो कंबाइन में बहुत इजी हो जाता है, जैसे MMRV होता है कि मीजल्स, मम्स, रुबेला, ठीक है, ये भी वेरिसिला भी इसी के अंदर आता है, तो उन सब की जो है ना वो सेम ही होती है, सही है। अच्छा, उसके बाद ना ये बता दूँ मैं आपको, ये आपने देखा है कि सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्प्रेड करेंगे बाय कॉन्टैक्ट से, तो इनकी जो मैनेजमेंट आएगी उसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि उसे हमने कंट्रोल करना है कि इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे एक पर्सन से सेकेंड पर्सन में, जिस तरह के कोविड फैलता है ये भी इसी के अंदर ही आता है, ठीक है, सार्स के अंदर आता है। सो इन सब की मैनेजमेंट एक तो ये होगी, सेकंड ये होगी कि हमने जो बाकी लोग हैं उनको हमने आइसोलेट कर लेना है, और इसके अलावा उनकी भी कुछ मैनेजमेंट होती है, वो भी आपने हर एक की थोड़े पॉइंट्स डिफरेंट हैं, तकरीबन सेम ही है, मेन तो सेम है लेकिन हर एक अलग अलग है, तो वो आपने इसमें नोट कर लेना है। थर्ड ये होती है कि आपने वैक्सीन लगाना है। अब इसमें ये है कि ये सारे के सारे जो है ना ये आपको लग रहे होंगे वायरल, लेकिन इसमें जो कुछ हैं वो बैक्टीरियल भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ डिफ्थेरिया की, डिफ्थेरिया जो होता है वो कोनिबैक्टीरियम डिफ्थेरिया से होता है, ये बैक्टीरियल है, इसके अलावा होपिंग कफ हो गया, ये भी बैक्टीरियल है,
ये किसी जैसे होता है कि ये बोरेलिया पर्टुसिस की वजह से होता है, और थर्ड है मेनिंजोकोकल मेनिनजाइटिस, ये भी होता है बैक्टीरिया की वजह से, नज़ेरिया गोनोरिया जो हमने किया था ठीक है उससे ये स्प्रेड करता है। उसके बाद है टीबी, टीबी भी एसिड फास्ट बैसिलाई होते हैं। अब बात ये है कि इन चारों का जो हमने मैनेजमेंट करनी है तो इनके साथ साथ हमने एंटी बैक्टीरियल्स भी देने हैं ठीक है, एंटी बैक्टीरियल जो होते हैं वो भी देने हैं, जबकि बाकियों के अंदर तो सारे के सारे वायरल हैं, तो उनमें हमारा मेन क्या होता है कि उसमें हमने एंटी वायरल इतने ज़्यादा देने नहीं होते, लेकिन वहाँ पे वैक्सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इनकी भी वैक्सीन्स हैं अवेलेबल, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि इन चारों के अंदर आपने एंटी बैक्टीरियल मस्ट ऐड करने ही करने हैं, बाकी के अंदर ऐड नहीं करने, क्योंकि बाकी जो है वो वायरल इन्फेक्शन ठीक है। तो इस तरह आपकी मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन बाकी तकरीबन सेम होगी। कहने को लगता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ही ईजी होती है, आपने से डायग्नोस्टिक पॉइंट करने हैं सपोज करें, और मैनेजमेंट एक साथ आपने कर लेनी है। अच्छा, ये आपके रेस्पिरेटरी हो गए हैं। अच्छा, आप सेकंड वो लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाक से करना है, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप क्या करें, आप पाक को सपोज करने के आपने पाक से रीड किया है, स्मार्ट पॉक्स रीड किया है, चिकन पॉक्स रीड किया है ठीक है। रीड करने के बाद आपने उसके नोट्स बनाने हैं। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक्सेल से कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेल से करना चाहते हैं और एक्सेल के अंदर मैनेजमेंट में पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, तो वो अपने एक्सेल को मेन रख सकते हैं, वो बेशक नोट्स ना बनाएं तो गुजारा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एक्सेल में, जैसे मैं बता रही हूँ कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं, तो वहाँ पे रैंडमली दिए हुए, बाकी सारे भी उसके अंदर मिक्स किए हुए हैं, कौन सा किस पेज पे, तो आप एक तरतीब से नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप नोट्स ना लेंगे तो आपके लिए आसानी होती है कि आपकी चीज़ें ना अलग हो जाती है, तो आपको जो है ना प्रोफ के टाइम जो है ना ये चीज़ आपको बर्डन फील नहीं करवाती, क्योंकि आपने ये बुक से रीड नहीं करना होता, आपने अपने नोट्स से पढ़ना होता है। अच्छा, आपने अगर पाक वाले बच्चे, मैं बता रही हूँ कि पाक वाले बच्चे जो है ना वो उसको रीड करें, वहाँ पे बहुत लेंथी दिया हुआ है, लेकिन उसमें बहुत अपने स्पेसिफिक चीज़ें जो है ना वो निकालनी है और वही अपने जो है ना अपने नोट्स पे ऐड करने। नोट्स बहुत लेंथी नहीं बनाने, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तकरीबन एक पेज पे आपके तीन जो हैं वो इन्फेक्शन से सपोज करें, ये स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स मीजल्स अगर हैं सपोज करें, तो ये आपके तीन जो हैं वो एक पेज पे होने चाहिए। इतने आपने स्मॉल नोट्स बनाने, बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाने, ताकि आपको जो है ना वो ईजी हो बाद में करना। नेक्स्ट, आपका पार्क के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मतलब वो इन्फेक्शन जो आपके इंटेस्टीन के ज़रिए जो है ना स्प्रेड होती हैं, फीसिस के ज़रिए अनहाइजीन की वजह से जो है ना स्प्रेड करती हैं। अच्छा, इसमें जो आपने करने हैं वो मैंने लिख दिए हैं इसके अंदर, कि पोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पोलियो की रेडिकेशन के बारे में क्वेश्चन आते होते हैं, पोलियो की वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन आते होते हैं, वायरल हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, आपको पता है कि हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो मेल स्प्रेड करता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं उसे स्प्रेड करता है, उसके बाद कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, बहुत हाई यील्ड हैं ये आपके क्वेश्चंस इसमें से लाजमी आ जाते हैं ठीक है, और पोलियो से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से भी आ जाते होते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट हैं ये सारे के सारे आपने एक्सेल से इनफ होते हैं, आप कर सकते हैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेल से ठीक है। ये जो 5 और 6 पॉइंट लिखे हैं मैंने आपको, एक्यूट डायरियल डिजीज़ हो गया और फूड पॉइजनिंग हो गया, ये आपने मस्ट जो है वो पाक से ही करना है ठीक है। पाक में ये बेस्ट लिखी है मैं एज़ कम्पेयर टू एक्सेल के। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कंबाइन करना है ठीक है, जिन्होंने एक्सेल मेन रखना है। नेक्स्ट है आपका जो है आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शंस, इसमें जो है आपके दो ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा हाई यील्ड हैं, इसमें से आपका जो है ना क्वेश्चन मस्ट आना ही आना होता है, आ जाता होता है ठीक है, तकरीबन आ जाता है। वो कहते हैं कि आपने मैनेजमेंट किस तरह करने हैं, आपने डेंगू के जो है मीयर्स क्या क्या करने हैं कि जिससे हम उसको कम कर सकें, और मलेरिया के भी इसी तरह से हैं, इससे एमसीक्यूज वगैरह भी आ जाते होते हैं। ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप इसे एक्सेल से करें, लेकिन बेहतर है कि आप इसे पाक से करें। पाक के एंड पे जो है इसके मीयर्स दिए होंगे कि हम किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं, वो पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट तरीके से दिए हुए हैं पाक के अंदर। तो अगर आप एक्सेल कर रहे हैं तो पाक से आपने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल मीयर्स जो है वो आपने वहाँ से पॉइंट की फॉर्म में कर लेने हैं, क्योंकि अपने एग्जाम में उनको एज सच लिखना होता है ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंथी दिया हुआ है पार्क में, लेकिन मैंने वही पहली बात बताई है कि आपने अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी मेन पॉइंट है आपने वही उस पर फोकस करना है, उसके ऊपर बाद आपने मैनेजमेंट जो है उसको वो अच्छे से कर लेनी होती है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जूनोसिस। जूनोसिस जो है ना एनिमल्स स्प्रेड करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपको पता है कि रैबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने इसे किस तरह कंट्रोल करना है, और इसकी वैक्सीन आपने जब अगर किसी पेशेंट को, मतलब एक डॉग ने बाइट कर लिया है, तो आपने किस तरह उसको मैनेज करना है, वो सारे के सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इसका यूक्यू आता होता है ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर येलो फीवर हो गया, येलो फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है कि येलो फीवर पाकिस्तान में नहीं है, अगर ये पाकिस्तान में क्या क्या ऐसे फैक्टर होंगे तो ये
पाकिस्तान में स्प्रेड कर सकता है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इसकी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाव को आप जस्ट एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है, ये आपने इसको एक्सेल से रीड कर लेना है। अच्छा, अब जो रेबीज़ की मैनेजमेंट दी हुई है आप बेशक वो कर लें एक्सेल से मर्जी, लेकिन अगर आप पाक से कर लेते हैं तो बेस्ट हो जाएगा कि आप उसे कंबाइन कर लें वहाँ से। येलो फीवर आप एक्सेल से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ये भी आप एक्सेल से कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेबीज़ बहुत ज़्यादा आता है, आपने इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से करना है। लास्ट कैटेगरी जो है कि सरफेस इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं इससे, तो ये आपने याद रख लेना है कि इसमें जो आएगा वो टेटनस आप कर लें इसके अंदर। टेटनस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा, इसे पूछते हैं कि वैक्सीन के स्केड्यूल किस तरह से है, प्रेगनेंट वुमन के लिए किस तरह से है, यंग गर्ल के लिए किस तरह से है, ठीक है, बच्चे को हम किस तरह से देंगे, सब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल उसके कितने जो है ना, हम टाइम बार ड्यूरेशन, मतलब कितना गैप होता है वैक्सीन के नेक्स्ट डोज देने के लिए, क्योंकि टेटनस जो है वो मेनली कब ट्रॉमा वगैरह अगर हो जाता है पेशेंट को तो हमें टेटनस देना होता है, किस तरह की इंजरी में हमने देना होता है ये भी आपसे पूछते होते हैं। एड्स जो है आप जैसे रीड कर लें एक दफ़ा, ठीक है। स्कैबीज आपके मेनली जो होते हैं ना, समझ लें कि ओएसपी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ आपसे पूछते होते हैं, लेकिन इसकी वैसे है क्योंकि स्कैबीज के केसेस बहुत ज़्यादा आते होते हैं, आए दिन हॉस्पिटल्स के अंदर स्कैबीज के पेशेंट आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि हाइजीन करें, और इसके लिए कुछ क्रीम्स होती हैं वो आपने उनके नाम याद लाजमी रखने हैं, मतलब मैनेजमेंट करनी है इसकी। सो ये आपके सरफेस इन्फेक्शन हो गए हैं। अच्छा, ये आप यहाँ तक आपके जो है ना ये कंप्लीट हैं, ठीक है, जितने भी आपके ये आए हुए हैं यूक्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो ये सारे के सारे यही हैं और आपने ये अच्छे से करने हैं, जो जो मैंने बताया आपको आपने वहीं चीज़ें करनी है। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आपके लिए, तो आप जो ये है ना इसके अंदर, इनके सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा आपने एजेंट देख लेना है कि इसमें कौन सा वेक्टर या कौन सा एजेंट जो है वो इसमें अंदर होता है, मतलब ये एमसीक्यूज पॉइंट के लिहाज से मैं कह रही हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आप एक दफ़ा देख लें कि हो कॉम इन्फेक्शन में। वैसे तो अगर आप देखें जब पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी, वहाँ पर भी पैरासाइट्स का दिया हुआ है कि किस तरह हमें मैनेजमेंट करना है। अच्छा, इनके साथ ना इनकम्युनिकेबल डिजीज़ आपने की हैं, ठीक है, इनके साथ आपने करना है चैप्टर नंबर आपका दिया हुआ है 24, ठीक है, चैप्टर नंबर 24 है आपका मेडिकल पैरासाइटोलॉजी के लिहाज से, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो आपने इसके साथ ही कर लेना है, बिल्कुल यूक्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बहुत छोटा चैप्टर है, आपने वो एक्सेल से ही करना है उसको, और कुछ आपने पाक से नहीं करना, ठीक है। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में जो है ना वो मेनली मैनेजमेंट पूछते हैं कि हुकवर्म का इन्फेक्शन हो गया, या फिर वो भी पूछते हैं कि पाकिस्तान में कितने कौन से जो है मोस्ट कॉमन पैरासाइट्स पाए जाते हैं, और कौन सा पैरासाइट जो है वो पाकिस्तान से इरेडिकेट हो चुका है, ये सारे क्वेश्चन है आपके पैरासाइटोलॉजी के अंदर, तो आपने वो इसके साथ ही करना है। प्लस एक और चैप्टर जो आपने इसके साथ करना है वो करना है इम्यूनोलॉजी वाला, क्योंकि आप नेक्स्ट करना ही यही है कि आपने सबसे पहले इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर करना है, वो इसलिए क्योंकि जब आप लोग ये सारे कर रहे होंगे इन सब के साथ जो है वैक्सीन्स आपने लास्ट में मेंशन करनी है, तो वही वैक्सीन जो है वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो है ना वो दी हुई है इसी के अंदर, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, रिएक्शंस क्या आते होते हैं, वो भी आपके इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर में दिए हैं, तो आपने ये भी इसके साथ ही कर लेना है। सो इस तरह आपके जो है ना तीन चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे, और इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर जो आपका है वो है चैप्टर नंबर 6, ठीक है, एक्सेल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 है ये। इसमें जो है अमीनो के आखिर में दिया हुआ है EPI स्केड्यूल। EPI स्केड्यूल होता है एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो कि बच्चों के लिए होता है, हम उन्हें लगाते होते हैं तकरीबन 15 मंथ तक लगाते होते हैं उनका स्केड्यूल है। इसको आपने ना इतने अच्छे से करना है कि आप उसे घोल के पी जाना है, क्योंकि ये कन्फर्म होता है कि आपको क्वेश्चन आता ही आता है, तकरीबन ये ना ये क्वेश्चन आता ही आता होता है, ठीक है। हमारे जो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, और ऐसा चुनाव पूछा था कि आपने पूरे का पूरा छाप देना है इसको, सो आपने इसको अच्छे से रट लेना है इसको, ठीक है, अभी से ही इसको याद कर लेना है। सो ये आपके तीन चैप्टर हो गई हैं, और आपने फ़िलहाल आपने ये करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर जो है ना गाइड कर दूँगी जब आपको नेक्स्ट टॉपिक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल आप अपने पैथो और आई के साथ ये कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं अब आपको साथ ही बता देती हूँ कि आपने किस तरह नोट्स बनाने हैं। जैसे मैंने बनाए हुए हैं, इसमें यह है कि तीन डिजीज़ जो है मैंने एक साथ ही एक पेज पे मेंशन की हुई है, ठीक है। इसमें हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना है आपने। सबसे पहले किस तरह लिखना है आपका, आप बुक में ना दिया होगा एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड के अंदर आता है कि एजेंट, मतलब आप अगर सपोज करें पढ़ रहे हैं चिकन पॉक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स का जो है एजेंट क्या है, वो है वेरिजोरा जोस्टर वायरस, ठीक है, वो आपने लिख दिया यहाँ पे एजेंट। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जो है उसे क्या क्या ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। आप ये इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है।
इन्वायरमेंटल फैक्टर ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिसकी वजह से जो है वो असिस्ट करेंगे, वो उसको मतलब इन्फेक्शन को मज़ीद स्प्रेड करेंगे। तो आपने मेंशन कर दिया कि इन्वायरमेंटल डिजीज़ कौन सी होती है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि विंटर हो गया, कोल्ड हो गया, ये आपके बुक में लिखे हैं, मैं अपने माँ से लिख देना है। थर्ड चीज़ ये होती है कि होस्ट के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट तो ख़राब है, गंदा है, एजेंट भी वहाँ हर टाइम मौजूद है, लेकिन होस्ट के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि प्रीडिस्पोज हो सकता है उस एजेंट से। मैं आपको चिकन बॉक्स के बारे में बता रही हूँ। तो चिकन बॉक्स में ये है कि इनमें मेनली बच्चे जो 10 साल से कम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है, और ये रेस्पिरेटरी है, इसका मतलब ये है कि इसने कॉन्टैक्ट से फैलना है। तो सबके अंदर ये मेंशन हो सकता है कि ओवर क्राउडिंग हो गया, पोअर हाइजीन हो गया, ठीक है, इसकी वजह से स्प्रेड ये कर सकता है। सो आपने ट्राई बनाना है, दरमियान में आपने लिखना है इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जो है ना वायरस ने एंट्री की है बॉडी के अंदर, और उसके बाद जब तक सिम्टम्स उसके अपेयर होते हैं उसे हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो आपने वो मेंशन करना है कि 14 to 16 डेज। सपोज करें एक पेशेंट को आज 6 जून है, ठीक है, आज जो है ना वायरस जो है वो एंटर किया है, एंटर करने के 14 से 16 दिन बाद उसको सिम्टम्स अपेयर होंगे, उसके बॉडी पे रैश वगैरह जो भी उसके सिम्टम्स आएंगे वो साथ इसके अपेयर करेंगे। सो आपने ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राई एड क्या करना है कि हर जो इन्फेक्शन लिखना है उससे पहले आपने ये बना लेना है। क्यों? क्योंकि आपकी 3-4 बातें जो है ना वो एक साथ ही आ जाएंगी, आपको याद रहने में आसानी होगी। सो हर कोई भी करने से पहले आप सबसे पहले ट्राई एड बना लें, ट्राई बना लिया आपको एग्जैक्टली याद रहेगा कि कौन से किस। अच्छा, इनक्यूबेशन पीरियड आपको ज़रूरी नहीं याद करना क्योंकि ये इतना खास नहीं आता, तब बहुत कम होता है कि आपके एमसीक्यूज़ में आ जाएं। लेकिन अगर वो पूछते कहते हैं आपसे कि आपने फलां जो है वायरस का या फलां जो इन्फेक्शन है उसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्राई एड लिखें, तो आपने उसमें इनक्यूबेशन पीरियड मेंशन करना होता है। लेकिन इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको सारा का सारा याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जैसे मैंने मेंशन किया है सेकंड कि इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, क्या रूट होते हैं, किस तरह ट्रांसमिशन होती है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्किन से हो सकती है, ओरल से हो सकती है, ये हमने कर दिया। क्लिनिकल फीचर्स आपने करने होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोस करने के लिए उसको, ठीक है। तो आपने करने के कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, इसमें रैश होता है तो रैश इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि रैश किस तरह का होता है इसके अंदर, ठीक है, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है। सेंट्री पीटल होता है, किस तरह स्प्रेड करता है, उसकी अपेयरेंस किस तरह होती है, कितने दिन तक रहता है, कब तक वो ख़त्म हो जाता है, कौन सी इसकी स्टेजेस होती हैं, वो आपने मेंशन करनी है, वो आपने याद करनी है क्योंकि ये जो है ना आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपने कॉम्प्लिकेशंस कर लेनी होती है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम की दी हुई हैं और वो इंपॉर्टेंट है तो वो आपने कर लेनी है। इसके बाद वो पूछते हैं कि आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। कंट्रोल के लिए हमने प्रिवेंटिव मेजर्स करने होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में आपके कुछ पॉइंट मैंने बता दिए हैं कि वो हमने हाइजीन आइसोलेट करना है, उसके जो कपड़े वगैरह हैं वो भी इसको मतलब चेंज करवाते रहना, फलां फलां चीज़ें करनी है, साथ आपने जो है ना साथ इन्वायरमेंट को भी सही क्लीन रखना है। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर मेंशन किया, सपोज करिए मेरे पास सब कुछ प्ले मेरे पास नहीं है करने की, ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने इन सब के जो एक कॉमन पॉइंट है वो तो मैंने लिख दिए, उसके बाद स्पेसिफिक पॉइंट जो हर एक के अलग है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। सपोज कि यहाँ पे जो है प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर मैंने मेंशन की है वैक्सीन, तो वैक्सीन कौन सी है, इसके लिए वेरिसिला ज़ोस्टा इम्यूनोग्लोबुलिन भी दे सकते हैं जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा वैक्सीन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। मैंने बताया था आपको कि इसके लिए MMRV यूज़ करते हैं, मीजल्स, मम्स, रुबेला और वेरिसिला ज़ोस्टा, ठीक है, तो ये हम इसके अंदर दे सकते हैं एज अ कंबाइंड फॉर्म में। सो उसका स्केड्यूल क्या है, उसको हम किस एज में देते हैं वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। बहुत ज़्यादा आपने इसमें डीप नहीं जाना, लेकिन आपकी जब प्रिवेंटिव मेजर्स पूछते हैं तो आप क्या करते हो कि सबके सेम ऐसे सच लिख के आ जाते हो, सिर्फ और सिर्फ कॉमन पॉइंट्स, लेकिन आपने स्पेसिफिक पॉइंट्स लास्ट में लिखने हैं, ठीक है। और अगर आपको डोज याद रहती है तो वेल एंड गुड, ठीक है, याद कर लें, नहीं रहती तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसका अगर नाम भी अगर आपको आता है तो वो ठीक है, ठीक है। तो आपने ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताया कि आपने किस तरह नोट्स बनाने हैं, और आई होप कि आप इस तरह इजीली बना लेंगे। इंडिविजुअली हर वायरस को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मैंने जिस तरह गाइड किया है अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा हर एक चीज़ करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पार्क को लेके बैठ जाती हैं, वो इतनी लेंथी बुक है कि उससे ना इंसान वो नहीं कर पाता, ठीक है, वो ख़त्म ही नहीं होती। सो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप पार्क लेके बैठ जाएं, आपने एक्सेल्स को मेन रखना है अपनी, और साथ ही मैंने पॉइंट ऐड करवाए हैं आप वो ऐड कर लें, ठीक है, वेल एंड गुड है ये आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और बात आप नोट कर लें कि आपके एक्सेल के अंदर जो एपिडेमियोलॉजिकल कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इससे पहले स्टार्ट में कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने सारी सारी कर लेनी है कि जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं उनकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, मतलब वो किस तरह जो है स्प्रेड करती हैं, उनकी बाकी बहुत डेफिनेशंस हैं, फर्स्ट केस क्या होता है, उसके अलावा स्पोरेडिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वो आपने लास्ट में करनी है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते होते हैं।
वो 2-3 पेज हैं वो आप कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर पहले कर सकते हैं, मर्जी है, या बाद में कर लें, मर्जी है आपकी। उसके बाद आपने सारे इन्फेक्शंस करने हैं, इन्फेक्शंस करने के बाद आपने इनके साथ ही जो है पैरासाइटोलॉजी कर लेनी है। सो इस तरह आपका ये डन हो गया है।